ई गवर्नेंस पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर एक नई योजना का शुभारंभ कर दिया है। सभा को संबोधित करते हुए कोनराड के संगमा ने बताया है कि प्रयोग के तौर पर ये योजना उस जिले में लागू की गई जहां पर मातृ मृत्यु दर सबसे अधिक और संस्थागत प्रसव दर सबसे कम थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि अब इस योजना का विस्तार पूरे राज्य में किया जा सकेगा। हालांकि संगमा ने उस जिले की जानकारी नहीं दी जहां योजना लागू की गई है, पर एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि रिभोई वो जिला है जहां प्रयोग के तौर पर ये योजना शुरू की गई है। इसी के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि मेघालय का संस्थागत प्रसव के मामले में बहुत ही ज्यादा खराब रिकॉर्ड रहा है, लेकिन हम अब इस पर काम करना चाहते हैं और हम इसी वित्तीय वर्ष में 100% संस्थागत प्रसव दर हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे और अगर ये नहीं हो पाया तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय औसत से जरूर बेहतर करेंगे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, हम डॉक्टर, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से सभी गर्भवती महिलाओं की जानकारी एकत्रित करेंगे। आपको बता दें कि ये योजना अभी एक प्रयोग के तौर पर शुरू की गई है और ये योजना उन जिलों में लागू की गई है जहां पर मातृ मृत्यु दर सबसे अधिक पाया गया और इसी के साथ ही संस्थागत प्रसव दर सबसे कम आकी गई है। प्रयोग पर सफलता पाने के बाद इस योजना का विस्तार पूरे राज्य में किया जाएगा।